वेल बिजनेस के अंदर जो सबसे सेक्सी वर्ड होता है वो होता है प्रॉफिट, मतलब जो सबसे खूबसूरत शब्द है जिसे हर कोई चाहता है अपने पास वो है प्रॉफिट। तो शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कैसे बुक करें, वेल आप सब सीखना चाहते हो। देखिए मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ, एक डिस्क्लेमर देता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले। अगर आपने आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग इसे सीख लिया तो आपको बाकी के सारे ट्रेड बेकार लगेंगे, फीके लगेंगे। आपको अगर आपने इसे सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग को तो इंट्राडे आपको लगेगा ये तो बेकार है, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा। और जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान करो। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हो कंपाउंडिंग के हिसाब से चल रहे हो तो इस वीडियो को अभी यहीं पर रोक दो, मत देखो। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ मेरी वीडियो मत देखो, ये मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊँ, ये मेरा काम है इस फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज़ में आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज दूँ। हमने इंट्राडे के ऊपर आपको नॉलेज दी, आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव करके दिखाने वाला हूँ। और ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअल में जो बोलते हैं ना शेयर मार्केट में अगर कोई जुआ होता है, गैम्बलिंग होती है, तो वो ये होती है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ये कि 1000 रुपये से जस्ट 1000 रुपीज से 10000 रुपये का प्रॉफिट कुछ ही मिनटों में बुक किया जा सकता है। 10000 छोड़ो 1 लाख रुपये का भी प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। मैं आपको ये बता देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें जो लॉस है वो तो लिमिटेड है, मतलब एक अमाउंट से ऊपर लॉस नहीं होगा। अगर आप 1000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, पर जो प्रॉफिट है ना तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है। तो अब ऐसा कौन सा ट्रेड है जिसमें हमारा नुकसान लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है? और सर आप बोल रहे हो कि ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है। देखो मैं ना बड़ा क्लियर बोलता हूँ, 1000 का 10000 गैम्बलिंग में ही होता है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने वाले हैं, ऑल्दो देखो मैं आपको खुद बोलूंगा मैं गलत नहीं बोलता कि प्रॉफिट इसमें ज़बरदस्त होते हैं, हम भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और ये अगर आपने सीख लिया तो आपको इसके सामने कुछ भी और अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा सब बेकार है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपने सीख लिया। बट अगर आपने इसे बिना सीखे किया ना आप लॉस बुक कर सकते हो। हाँ लॉस लिमिटेड है, और लॉस बुक करना ही क्यों है हमें, हमें हारना ही क्यों है अपना पैसा, हमें सीखना है और सीखने के बाद अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है। तो आज ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बड़ी सरल भाषा में सिखाने वाला हूँ। देखो मेरा फोकस ये रहता है कि अगर मैं कुछ भी सिखाऊं तो इस तरीके से सिखाऊं कि अगर एक 6th class का बच्चा भी मुझे सुन रहा है ना तो उसे भी सब कुछ समझ आए। और शेयर मार्केट को हम इतना ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि बच्चे बच्चे को भी शेयर मार्केट समझ आ जाए, क्योंकि ये एक एक्चुअल में एक ऐसा कुआं है जो पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है, पैसे की प्यास। आपने सुना है ना डायलॉग, कल सुना होगा, बट अभी मैं आपको एग्जैक्टली सिखाने वाला हूँ व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो आपने बहुत सारे वर्ड सुन लिए हैं शेयर मार्केट के अंदर, आपने शेयर्स के बारे में सुन लिया है, आपने बॉन्ड्स के बारे में सुन लिया है, इसी तरीके से होते हैं डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अब आपको मैं बहुत सिंपल सरल एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए अपने घर से जाते हो, बाहर निकलते हो और आप जाते हो एप्पल के स्टोर में क्योंकि आपको खरीदना है एक एप्पल का फ़ोन। अब जैसे आप स्टोर के बाहर खड़े होते हो आपके दोस्त का फ़ोन आ जाता है और आप उसे बताते हो यार आज मैं ना नया एप्पल का फ़ोन लेने आया हूँ और वो भी मैं खरीदूंगा रेड कलर का जो मेरा फेवरेट कलर है। आपका दोस्त कहता है भाई तेरे को पता है एप्पल अगले ही हफ्ते अपने जो प्राइस है उसे रिवाइज करने वाला है, प्राइस चेंज हो जाएगा एप्पल के फ़ोन का। अब आप कहते हो प्राइस चेंज हो जाएगा, आप कहते हो एप्पल तो यार ऐसी कंपनी है जो प्राइस कम तो करती नहीं है तो ये प्राइस बढ़ा ही देगी, तो आपको लगता है मैं आज ही खरीद लेता हूँ। अब जब आप जिस दुकान पर जाते हो आप उस दुकान वाले से बोलते हो जी मुझे एप्पल का एक रेड कलर का फ़ोन दे दो, वो कहता है जी एप्पल के तो बहुत सारे फ़ोन है बट रेड कलर का फ़ोन नहीं है। आप कहते हो नहीं चाहिए तो मुझे रेड चाहिए। आप दूसरी दुकान पे जाते हो, तीसरी पे जाते हो, आपके शहर में जितनी दुकानें सब पे चले जाते हो बट आपको रेड कलर का फ़ोन नहीं मिलता, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। अब एक दुकान वाला बोलता है जी मैं आपको फ़ोन तो दिलवा दूंगा, फ़ोन मिल जाएगा बट अगले हफ्ते आएगा। आपको याद आता है अपनी दोस्त की बात कि अगले हफ्ते तो प्राइस चेंज हो जाएगा और आपको लग रहा बढ़ जाएगा, तो आप कहते हो अब क्या करें। तो आप दुकान वाले से एक डील करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि सर मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक बुकिंग अमाउंट दे जाता हूँ, मैं आपको एक टोकन दे जाता हूँ, मैं आपको एक प्रीमियम दे देता हूँ, मैं आपको पूरे पैसे नहीं दे रहा, मैं आपको एक प्रीमियम दे देता हूँ, मैं आपको अभी एक टोकन दे देता हूँ 1000 रुपये का और ये 1000 रुपये आप मेरे रख लो और मेरी एक बुकिंग बना दो कि मैंने इस रेड कलर के फ़ोन को ख़रीद लिया आज। आज मान लेते हैं 50000 रुपये का है तो आप मुझे 50000 रुपये का फ़ोन की एक बुकिंग की पर्ची काट के दे दो कि आप मेरा फ़ोन मंगाओगे, मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए और जब फ़ोन आएगा आप मुझे 50000 का दे दोगे क्योंकि आपको लग रहा है अगले हफ्ते बढ़ जाएगा। अब आपको
ये जो आपने डील बनाई है उसके लिए दुकान वाले के लिए, दुकान वाला मान जाता है, दुकान वाला कहता है ठीक है आप 1000 रुपये दे दो, मैं आज बुकिंग डाल दूंगा, मेरे पास फोन आएगा, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो मैं आपको 50,000 का ही दूंगा। अब आप कहते हो चलो ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है प्राइस बढ़ जाएगा। अब आप हंसी खुशी घर चले जाते हो, अगले हफ्ते जाते हो दुकान पे और दुकान वाला आपको निकाल के दे देता है रेड कलर का वही फ़ोन जो आपको चाहिए था। आप बड़े खुश होते हो फ़ोन को देखते हुए, बट आप उससे बातों बातों में पूछते हो कि भाई आज किस रेट पे है ये फ़ोन। वो दुकान वाला बोलता है अरे प्राइस ना एप्पल ने चेंज कर दिए सर, प्राइस तो 45,000 रुपये हो गए। अब आपके एकदम से होश उड़ जाते हैं कि 45,000 हो गए। अब आप दुकान वाले को बोलते हो जी मुझे 45,000 रुपये दे दो, तो दुकान वाला कहेगा जी मैं 45,000 रुपये दे तो दूंगा, बट आप अपने 1,000 रुपये भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप 1,000 रुपये प्रीमियम के हिसाब से चलोगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलोगे, तो आपको 50,000 रुपये खरीदना पड़ेगा, आप 1,000 रुपये भूल जाओ। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इसे 49,000 रुपीज और पे करो और 50,000 रुपये पे ही फ़ोन खरीदो, क्योंकि आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने वादा किया था कि भाई ठीक है अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा या कम भी हो जाएगा तो मैं 50,000 रुपये ही खरीदूंगा, तो आप उसे 49,000 और पे करो, या फिर आप समझदारी दिखाओ, बोलो कोई बात नहीं भाई 1,000 रुपये गए, आप मेरे से 45,000 रुपये और लो और मुझे नया फ़ोन दे दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1,000 रुपये और लगा के फ़ोन 46 का पड़ रहा है, तो फिर भी मुझे बचत हो रही है 4,000 रुपये की, तो मैं आज के रेट पे खरीदूंगा। अब एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, मान लेते हैं प्राइस बढ़ गया 50,000 की जगह फ़ोन का प्राइस आ गया 60,000 रुपये अगले हफ्ते, अब क्या होगा? अब आप दुकान पर गए, रेड कलर का फ़ोन देखा, अब दुकान वाले से आपने पूछा रेट क्या है, उसने बोला 60,000, बट अब क्या दुकान वाला आपसे 60,000 लेगा? नहीं, वो बंद गया, 1,000 रुपये देने के बाद वो बंद गया, अब उसे आपको फ़ोन 50,000 में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेलर है, सेलर का अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है, अगर ये यहाँ पे 1,00,000 का फ़ोन हो जाता तो भी उसे 50,000 का ही देना पड़ता, बट आपका लॉस लिमिटेड है कि 1,000 रुपये प्रीमियम दिया है तो 1,000 से ऊपर का नुकसान नहीं हो सकता। ये आपने ट्रेड किया क्योंकि आपको पता लग गया था, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके दोस्त ने दी थी कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, अब उसने बोला चेंज होने वाले हैं, आपको लगा बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म्ड अगर नहीं होती चीज़ें तो कुछ भी हो सकता है, बट अब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, न्यूज़ है। अब मान लीजिए मोदी सरकार ने बोला कि हम कल से लॉकडाउन लगाने वाले हैं, और ये न्यूज़ किसी को एक हफ्ते पहले पता लग जाए, कि उसे पता लग जाए कि भैया जिस दिन लॉकडाउन लगेगा उस दिन के बाद शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल होगी, अच्छा भी जा सकता है बुरा भी जा सकता है, बट आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन लगा तो प्राइस डाउन जाएगा, और यही न्यूज़ आपके पास एक हफ्ते पहले आ जाए तो आप क्या करोगे? अगर आप इंडेक्सेस पे जाओगे, सेंसेक्स निफ्टी पे जाओगे, आपको लगेगा यार अगर लॉकडाउन आने वाला है अगले हफ्ते तो निफ्टी का जो रेट है वो डाउन जाएगा। अब यहाँ पर आपको लगता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कैसे लगेगा, आप निफ्टी का रेट देखते हो, करंट रेट चल रहा है मान लो 15,000 रुपये, अब या तो ये रेट बढ़ेगा या तो ये कम जाएगा। अगर ये रेट बढ़ेगा, मान लो आपको लगता है ये 15,500 जाएगा, तो अब हम ऑप्शन में क्या खरीदेंगे? ऑप्शन में हमें खरीदना होता है कॉल, CE कॉल यूरोपियन। अब ये कॉल है, मतलब आपको लगता है अगर बढ़ेगा तो फ्यूचर में अगर खरीदना है आपको तो ये आप एक ऑप्शन खरीद रहे हो, इसे हम बोलते हैं कि आपने सोचा कि बढ़ेगा तो आपने कॉल खरीद लिया। और सिमिलरली अगर आपको लगता है प्राइस डाउन जाएगा, आपको लगता है लॉकडाउन की न्यूज पहले पता लग गई, आपको लगता है कि यार ये जाएगा प्राइस मान लेते हैं 14,500, आपको ऐसा लगता है भाई 14,500 हिट करेगा, तो यहां पे आप पुट को खरीदोगे। पुट को खरीदोगे मतलब आपको लग रहा है डाउन जाएगा, अगर आपने पुट खरीदा इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस डाउन जाएगा तो आपका मुनाफा होगा, और अगर आपने कॉल खरीदा इसका मतलब है अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका मुनाफा होगा। तो समझ आ रहा है, यहां पे हमें प्राइस डाउन जाने से फायदा है और वहां पे हमें प्राइस अप जाने से फायदा है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है कॉल और पुट का, अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपने बहुत कुछ समझ लिया भाई। देखो मैं बहुत सिंपलीफाई करके समझा रहा हूं, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के ऊपर सीखने जाओगे ना तो इतनी मोटी मोटी किताबें भी पढ़नी पड़ सकती हैं, और वो पूरी किताब का जो निचोड़ है ना वो मैं आपको इतनी छोटी सी वीडियो में देख रहा हूँ। वीडियोज़ लंबी हो सकती हैं बट ये बहुत काम की आपके, आप समझना इस बात को। अब बात को अगर आपने यहाँ पे समझा तो मज़ा आ जाएगा आपको इसके बाद। अब समझिए, जो यहाँ पे हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसकी वीकली क्लोजिंग भी होती है, मंथली भी होती है, वीकली होती है हमारी थर्सडे को। अब थर्सडे का मतलब क्या है कि थर्सडे इज द लास्ट डे, आपका प्राइस हिट हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ खत्म, यहां पे सौदा कटेगा।
अब मान लीजिए आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20th में और आज थर्सडे है, तो मैंने आपके लिए एक लाइव डेमो रिकॉर्ड किया है सेम इसी चीज़ का कि मुझे लग रहा है कि निफ्टी डाउन जाएगा, तो मैंने 14950 पीई पुट यूरोपियन पे 20th मई का जो हमारा ऑप्शन ट्रेड था उसे खरीदा आपके सामने। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने 1500 क्वांटिटी पहले बाय करी, फिर 300 और करी, और पहले मैंने 1500 क्वांटिटी बाय करी 16 रुपए के रेट पे। तो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये ट्रेड आपके सामने बुक किया है, और इस ट्रेड पे जो फायदा और नुकसान है सेकंड्स के हिसाब से होता है, क्योंकि सेकंड्स के हिसाब से निफ्टी का रेट फ्लक्चुएट करता है। अब लॉस मेरा कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये पैसा जो मैंने लगाया ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई, सो हे यू सी द लाइव डेमो व्हाट वी डिड, हाउ वी बुक द प्रॉफिट, ये कैसे काम करता है, अब लाइव देखते हैं। हे यू, अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये ट्रेड बुक किया हमारा लॉस होना शुरू हो गया। देखिए 450 रुपये का लॉस, 600 रुपये का लॉस, ये जो प्रॉफिट और लॉस है ना ये सेकंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हमारी जो नेट बाय वैल्यू है, जो नेट क्वांटिटी है वो 1500 है, तो 1500 के ऊपर देखिए 1500 रुपये का लॉस हो चुका है ऑलमोस्ट, 1425 ये बढ़ता जा रहा है, सेकंड्स के अंदर ऊपर नीचे आ सकता है, अभी आगे कितना भी बढ़ सकता है, 1200-900 रुपये का लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट तो आपको लग रहा हो ही नहीं रहा, पर डेफिनेटली हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रॉफिट होगा और बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट 4000 से ऊपर का लॉस जा चुका है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 4500 का लॉस क्या बेच देना चाहिए, लॉस बुक कर लें? बट द थिंग इज सी यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, आपके पास 3:15 बजे तक का टाइम है, अभी आप देखिए 1:37 हो रहे हैं, तो अभी 1:37 पे हो सकता है मैं लॉस में चल रहा हूँ, बट कुछ ही मिनटों के अंदर हम प्रॉफिट में भी आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। सो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने 16 रुपये पे खरीदा है, अभी ये नीचे जा रहा है, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो शायद यहाँ पे देखिए बाय प्राइस जो मेरा आ रहा है 16 रुपये आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे 300 क्वांटिटी मुझे ऐसा लगता है कि और ले लेनी चाहिए। तो मैंने अब यहाँ पे आप नेट क्वांटिटी देखिए, मैंने 1800 यहाँ पे हो गई नेट क्वांटिटी, हमने 2:11 पे आप देख सकते हो कि हमने और ले लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि सर प्रॉफिट हो रहा है 1470 का, 1200 रुपये का प्रॉफिट, 930 रुपये का प्रॉफिट, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट भी 1800 की क्वांटिटी के हिसाब से हो रहा है, लॉस भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा, बट अब सेकंड्स के अंदर देखिए दोबारा से लॉस हो गया 1320 का, तो सेकंड्स के अंदर ऊपर नीचे जा रहा है, बट ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया नीचे जाने की लिमिट है, ऊपर जाने की लिमिट नहीं है। ये आज मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरी ये ट्रेड आज मुझे 1,00,000 रुपये कमा के दे सकती है, आप देख रहे हैं 2600 का प्रॉफिट, 570 रुपये का प्रॉफिट। तो अब देखिए जो बाइंग प्राइस है वो 15.33 रुपये आ गया, क्योंकि हमने 16 रुपये पे भी खरीदा और 12 रुपये पे भी खरीदा, तो एवरेज हो गई 15.33। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, सो व्हाट शुड आई डू, अब देखिए दोबारा से लॉस होना शुरू हो गया। अब लोग झेल नहीं पाते लॉस, उन्हें लगता है कि अगर लॉस हो रहा है तो यार जल्दी से ट्रेड को खत्म करें, 500 रुपये का भी प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे, बट अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है यू नीड टू वेट अ लिटिल बिट। अब ये वीडियो तो मैं खैर एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मुझे पता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है पर टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अब जैसे ये 4000 से ऊपर जाएगा रेट मैं इसे सेल कर दूंगा, तो 2:13 हो रहे हैं आप देख सकते हो, 4000 के ऊपर जाते ही विल सेल इट ऑफ एंड आई विल शो यू द प्रॉफिट। तो अभी ये फिर से 930 आ गया, कम हो गया प्रॉफिट हमारा, ये ऊपर नीचे होता रह सकता है। देखिए अब जैसे ही मेरा प्रॉफिट 4000 से ऊपर का आया था मैंने इसे सेल कर दिया, हमारा बाइंग प्राइस था 15.33 और सेल प्राइस था 17.66, नेट बाय था हमारा आप देख सकते हो 27,600 रुपये का हमने बाय किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 31,788.75 पे हमने बेच दिया, तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये अब हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट डे आपके ये अपस्टॉक अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट, तो आपने सिर्फ एक ट्रेड से आप देख रहे हो यहाँ पे कितना कमाया हमने, 4000+ कमाया, तो मैं तो बोल रहा था कि 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं अगर मैं इसे सेल नहीं करता। तो आइए अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा और वेट करते तो क्या होता। सो अब मैं आपको मोबाइल में नहीं, मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ, अगर आप भी अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे अपस्टॉक्स को, सो आपको ऐसा कुछ प्रोवर्जन दिखेगा, यहाँ पे ग्राफ्स दिखेंगे, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है सेम वही जो आपने निफ्टी 14590 पीई, मैं आपके सामने दोबारा सर्च करके दिखा सकता हूँ सो दैट आप भी इसे कर सकते हैं, निफ्टी 14950 पुट, और हमारी एक्सपायरी कब की थी, हमारी एक्सपायरी आज की ही थी 20 मई की, तो मैंने एग्जैक्टली सेम ग्राफ खोला हुआ है, आप भी खोल सकते हैं। अब आप देखिए हमने 1336 पे ख़रीदा था, मैं 1336 के टाइमलाइन पे आ जाता हूँ, ऑलमोस्ट 16 रुपये का जब रेट हिट हुआ, ये 16 रुपये के रेट पे हमारी यहाँ पे
हमने ले लिया, इसे खरीद लिया। उसके बाद हमने 1500 क्वांटिटी खरीदी थी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि ये और ज़्यादा डाउन गया हमारा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमें एकदम से प्रॉफिट हुआ, हमारे यहाँ से डाउन गया। देखिए यहाँ पे झटके लग रहे थे, बट ये नीचे 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 जा रहा था। अब जब ये नीचे जा रहा था, मैंने 300 क्वांटिटी और खरीदी। मैंने कब खरीदी? 146 पे, मतलब 1346 पे, ऑलमोस्ट इस सेगमेंट पे, जब रेट आया था यहाँ पे 12 रुपये। सो जब 12 रुपये हिट हुआ, हमने दोबारा से ख़रीद लिया। अब जब हमने दोबारा से यहाँ पे ख़रीदा, उसके बाद देखिए नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे गया। बट यहाँ पे जब लो लिया, इसने कितना लो लिया देखिए आप, यहाँ पे 8.5 रुपये से नीचे आ चुका है यहाँ पे रेट। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 8.25 रुपये का रेट पे हिट हुआ, शायद उससे भी नीचे 8.17 रुपये। एंड उसके बाद देखिए बढ़ता चला गया। अब कितना बढ़ा आप यहाँ पे हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60+, यहाँ पे 60-61 रुपीज़ इसने हिट किया था। तो 60-61 रुपीज़ जब इसने हिट किया है यहाँ पे, आपको मुझे बताना है कि मैंने यहाँ पे जब सेल किया, मेरा सेल का टाइम था 2:15, मतलब 14:15, और 14:15 पे मैंने कितने रुपए पे सेल किया? मैंने आपको बताया था कि मैंने सेल किया था, जो मेरा सेलिंग रेट था दैट वॉज 17 रुपीज़ 66 पैसा। तो 17.66 पे जब ये हिट हुआ, हमने सेल कर दिया, मतलब इस टाइम पे वी जस्ट सोल्ड ऑफ, हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर हम थोड़ा सा और होल्ड करते, वैसे कोई भी ज़्यादा होल्ड नहीं करता, प्रॉफिट हो गया जी 4000 का हो गया, क्या 40000 का भी हो गया तो जी एग्जिट कर लो। आप कह रहे हो 40000 का सर? आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में कि अगर मैं 60 रुपीज़ तक इसे होल्ड करता तो कितना प्रॉफिट होता। अब आपने जैसे देखा कि मैंने 4000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, कितनी देर में? 1 घंटा भी नहीं लगा। और 1 घंटा तो बहुत बड़ा टाइम है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको अभी पूछा कि 60 रुपये का रेट गया तो 60 रुपीज़ के रेट पे मेरा कितना प्रॉफिट होता, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैंने आपको ना ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए तो सिखा दी है, अभी इसमें बहुत कुछ है, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मेरे पास भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 80% चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के, 20% चांसेस होते हैं लॉस होने के, बट अगर 80% चांसेस हैं प्रॉफिट होने के, और अगर आप सीखना चाहते हो, देखो है ये रिस्की बट ये लीगल है, मैं इसे गैम्बलिंग खुद कहता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ गैम्बलिंग है, मैं गलत नहीं कर रहा, गैम्बलिंग ही है। कोई कितना भी बोले कि मुझे ये आती है एनालिसिस, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आती है, इसमें ये लगाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ करने के बावजूद भी भाई कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी मैंने बोला लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। सीखना चाहते हो आगे कमेंट करके बताना, वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं मिलती है। आपकी वीडियो शेयर करने से लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, आप फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो करो। इसके साथ साथ आप देख रहे थे मैं अपस्टॉक पे ये पूरी की पूरी आपको मैंने करके दिखाया कि किस तरीके से खरीदते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। आपके पास अपस्टॉक है तो आप भी उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से आप ट्रेड बुक कर सकते हो। एंड अगर अपस्टॉक्स आपके पास नहीं है एप्लीकेशन, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है अपस्टॉक्स के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाइए अपस्टॉक पे जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। अपस्टॉक पे आप डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो बहुत आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। एंड विद दिस विल एंड ऑफ दिस वीडियो, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए, क्योंकि जो आप सीखने वाले हो उसे आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा। सो ओपन योर डीमेट अकाउंट एज सून एज पॉसिबल एंड गो सेल्फ मेड।